नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरे जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर और मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिए, आज को मैं क्रूड ऑयल के ऊपर बेस करके कुछ ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट चार्ट का ऊपर। क्रूड ऑयल में मैक्सिमम जो बंदा मैं देखता हूँ, सब कुछ को मतलब दिन में दो चार कॉल चाहिए, और अगर 10 पॉइंट मिल जाता है तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए 5 मिनट हम लोग का टाइम फ्रेम के हिसाब से सॉफ्टवेयर कैसे वर्किंग कर रहा है, लास्ट 2 डेज का मैं परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, 30 तारीख से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर का बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर बेसिकली ये स्कैल्पिंग एंड ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर बेस करके काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये आपका बाय का कॉल, और रेड कलर का एरो मतलब सेल का कॉल होता है। तो जब भी कोई सिग्नल आता है, ऑटोमेटिकली हम लोग के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा साउंड का साथ। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कैसे हम लोग कॉल को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले हम लोग को एक दो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 5 मिनट का चार्ट है, मतलब 5 मिनट का कैंडल का ये ग्राफ है। तो जब जैसे इस कैंडल में देखिए कॉल बन रहा था, तो जब तक ये कैंडल ख़त्म नहीं हो के नेक्स्ट कैंडल नहीं बनेगा, तब तक मुझे कोई ट्रेड नहीं करना, ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा या सेल का कॉल बनेगा, उसका फर्स्ट कैंडल ख़त्म होने तक वेट करना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल ओपन होने का बाद आपको देखना है जो फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ रहा है कि नहीं, बाइंग का केस के। मतलब जिस सपोज मैं इस कैंडल का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इस कैंडल का यहाँ पर बाय दिया था, तो ये कैंडल ख़त्म होकर नेक्स्ट कैंडल जब आएगा, तब ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रही इस कैंडल का बहुत ऊपर में ये उड़ गया। मतलब एज पर कंडीशन आप यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब उस मोमेंट में हम लोग दो कंडीशन को देखेंगे। एक है मिडिल में आपको एक लाइन दिखाई देगा जो स्मूथली ऊपर जा रहा है ग्रीन का साथ, इसका ट्रेंड लाइन है। तो बाय का कॉल में इस लाइन का कलर को ग्रीन होना है और इस कैंडल का कलर को वायलेट होना है। तो अगर मैं इस कैंडल से भी एंट्री लेता हूँ जहाँ पर इसका वैल्यू था 1290 के आसपास, तो वहाँ से लेके मैं आराम से यहाँ पर 10-15 पॉइंट इजीली अर्निंग कर सकता हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है प्योरली इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के लिए खेलना चाहता है। तो उसका बात है कि यहाँ पर एक सेल का कॉल बना, सेल का कॉल यहाँ पर आया था। तो सेल का कॉल का देखिए, इस कैंडल का लो का नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ था। तो भले इसका कंडीशन मैच हुआ, मगर जिस कैंडल में कॉल बना था, अगर मैं उसका नीचे वो कर्सर मेरा क्रॉस हेयर को रखता हूँ, देखिए कोई भी कैंडल उसका क्लोजिंग इस कैंडल का लो का नीचे नहीं गया था। इसका मतलब है उस हिसाब से इस कॉल में मुझे ट्रेड नहीं करना है। फिर देखिए बाय का कॉल बना, तो इसका कंडीशन देखिए इस यहाँ से मैच हो रहा है। तो जहाँ से मैच होगा आपको वहीं से सोचना है, जो इस कैंडल में मैच हो रहा है, तो इस कैंडल का हाई तोड़ना पड़ेगा। मतलब लगभग यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी एंट्री लिया जाता है, तो ये आपको मिनिमम एक 10 पॉइंट आराम से निकाल के दे सकता है। सेम कंसेप्ट देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कंडीशन मैच है, और इस कैंडल का अगर लो ब्रेक किया जाएगा, तो 3 नंबर कैंडल, ये जो व्हाइट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द बेयरिश कैंडल। तो ये इस कैंडल में सपोज कॉल बना था, और ये कैंडल में आपका इसका लो ब्रेक किया, तो इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में भी अगर मैं ट्रेड करता हूँ 1292, यहाँ से लेके देखा जाएगा, तो ये आपका 72, मतलब 20 पॉइंट प्रॉफिट दे चुका। मतलब मैं आराम से 10 पॉइंट निकाल सकता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर एक बाय का कॉल बना, तो मैं इस कैंडल का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कंडीशन मैच हो रहा है, तो मैं ये थर्ड कैंडल से ट्रेड करूँगा, क्योंकि इसका हाई तोड़ने वाला है ये कैंडल। तो इस कैंडल का हाई में भी अगर मैं क्लोजिंग में भी ट्रेड करता हूँ, तो भी देखिए ये आपको एक मिनिमम प्रॉफिट देके जा रहा है। फिर देखिए एक सेल का कॉल है, सेम कंसेप्ट रहेगा, इस कैंडल का लो का नीचे, मतलब मुझे सेकेंड कैंडल से ट्रेड करना है, तो ये भी आपको प्रॉफिट दिया। तो ये टोटली 30 तारीख का कॉल है, जहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 कॉल दिखाई दिया, 6 में से एक कॉल चला नहीं है, और वो भी वो कंडीशन को मैच नहीं कर रहा था, बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके गया है। उसके बाद देखिए कल को जैसे मार्केट 5 बजे खुला था, तो उसमें हम लोग देखते हैं सुबह को यहाँ पर एक सॉरी सुबह बोलो 5 बजे यहाँ पर एक कॉल बना था, तो यहाँ पर भी ब्रेक किया, तो यहाँ पर भी मोमेंटम दिया, तो उसके बाद सेल का कॉल थोड़ा फ्लैट रहा। फिर लास्ट बाय का कॉल में भी अगर मैं इस कैंडल से ट्रेड करता हूँ, तो मुझे एक 10 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये टोटली छोटा छोटा जो पॉइंट लेके काम करना चाहते हैं, उसका हिसाब से आराम से आप 10 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आपका सामने ये टोटली कंसेप्ट दिया हुआ है, जो भी होगा आपको पहले कंडीशन को मैच करना है और कंसेप्ट को फॉलो करना है, उसका बाद उसका हिसाब से आप आराम से यहाँ पर 10-15 पॉइंट अर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। तो
तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इस मार्केट रिलेटेड आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।